व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस मैं सीखने वाला हूँ कैसे अपने ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का फोटो को हम फुल कलरफुल कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस फोटो को हम लाइट रूम में ऐड कर लेंगे। तो गाइस हम लाइट रूम ऐप में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, हम जाएंगे कलर टूल पर और यहाँ से मिक्स, और जो हमारा रेड है उसका ही थोड़ा कम कर देंगे, करीब हम -4 के आसपास रखते हैं, और सैचुरेशन को थोड़ा डाल देंगे और लुमिनस को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब हमारा जो ऑरेंज है ऑरेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे, लुमिनस को बढ़ाएंगे इस तरह से। तो इसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो फोटो, इसमें हमारा जो हेयर है उसमें थोड़ा ब्लू टोन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लू टोन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सैचुरेशन कम कर देंगे और लुमिनस को भी कम। तो गाइस इसके बाद हम जो करेंगे, हम येलो को सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा जो येलो टोन है साइड में उसको हम कर देंगे ग्रीन टाइप का। तो हम इसको ह्यू बढ़ाएंगे इस तरह से, और सैचुरेशन को भी, तो मैंने करीब इतना कर दिया। और जो हमारा ग्रीन था पहले से ही, उस ग्रीन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा डाल देंगे इस तरह से। और जो टिंक टाइप कलर है उसको हम यू माइनस कर देंगे और सैचुरेशन को थोड़ा डाल देंगे। यहाँ पर डन, यहाँ पर से हम टेम्परेचर थोड़ा दे देंगे, टिंक को इधर उधर करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ और वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही, और इसके बाद सैचुरेशन थोड़ा कम। ओफ, तो गाइस सिचुएशन को करीब, सॉरी गाइस, तो गाइस वाइब्रेंस को करीब इतना रख देंगे, करीब 67 के आसपास, डन। तो गाइस हम देख सकते हैं हमारा जो हेयर है उस पर फिर से ब्लू टोन आ रहा है। तो इसके लिए फिर से ब्लू टोन में आएंगे और सिचुएशन कर देंगे करीब -53, और लुमिनस को भी दे देंगे माइनस करके, ऐसे डन। तो गाइस इसके बाद हम आएंगे इस सन टूल पर और यहाँ से हम कंट्रास्ट कर देंगे करीब 28, हाईलाइट को कम, शेडो को भी थोड़ा कम कर देंगे और वाइट को बढ़ाएंगे, और जो ब्लैक से ब्लैक को भी हम कम कर देंगे। तो गाइज इसका हम आएंगे बिगिनी टूल पर और थोड़ा बिगिनी दे देंगे, ऐसे क्लैरिटी को भी दे देंगे करीब 16, और यहाँ पर से हम शार्प टूल पर आ जाएंगे और यहाँ पर शार्प कर देंगे करीब 56, नॉइस को भी कर देंगे करीब 47, और जो कलर नॉइस उसको भी डालना होगा उसको हम कर देंगे करीब 47। तो गाइस एक चीज़ देखो, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका हर एक लाइक मेरा बहुत ही मोटिवेशन करता है, मानो या ना मानो मुझे सच्ची में बहुत ही मोटिवेशन करता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो इस मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। Trust.